शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। नुक्कड़ के सारे बाशिंदे तकदीरों से पकड़। अलग अलग तकदीर है सबकी, अलग अलग है बोली, अपने अपने धंधे सबके अपनी अपनी टोली। अजब तमाशा है ये नगरी, दुख में हंसते गाते हैं, अपनी बर्बादी का यारो ये तो जश्न मनाते हैं। मिलते हैं, बिखरते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मिलते बिछड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, गिलते संभलते हैं यारो। चाहे किसी भी नाम से तुम इनको पुकारो, ये सारे हैं नुक्कड़। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। नुक्कड़ के सारे बाशिंदे तकदीरों से पकड़। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। जी, ये चाय के धंधे में फायदा ही फायदा है। पांच लगाओ, पचास कमाओ। अरे अपना कादर भाई तो पांच रुपए भी नहीं लगाता। अजा ए हरी, एक हफ्ता मेरा होटल संभाल के देख, आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। अच्छा कादर भाई, अगर चला दिया तो क्या मिलेगा? नुकसान नहीं होना मांगता। अरे कादर भाई, तुम भी कहा बच्चों के साथ बच्चे जैसी बातें करने लग गए। अरे तो अपनी औलाद को संभालना। ये हरी काहे को सुबह सुबह अपने को सुलगा रहा है? तू मेरे को दुकान दे दे, मैं इसको फर्स्ट क्लास दारू का दुकान। एक अलावा तेरे अखबार में कोई मजेदार खबर है कि नहीं? वही तो देख रहा हूँ गुरु। सुना देख देख, कोई अच्छी खबर हो तो सुना। हाँ गुरु, एक मजेदार खबर सुन। बाल उगाने की दवा बेचते हुए एक बोगस डॉक्टर गिरफ्तार। बाल उगाने वाली दवा? गंजी पब्लिक ने धुलाई के बाद डॉक्टर को पुलिस के हवाले किया। गुरु कुछ भी कहो, औरत हो या मर्द, खूबसूरती के लिए सर पर बाल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बोला। अब अपने कादर भाई को देख, दिल का कितना अच्छा आदमी है, पर शक्ल से बोल बोल, तू भी बोल बोल बोल। ए ए देख देख, कादर भाई का टकला देख, जैसे केरला का नारियल। अच्छा कादर भाई, आपके ये बाल कभी दोबारा आएंगे कि नहीं? नहीं आएंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं आएंगे? अरे भाई अंदर कुछ होगा तो बाहर आएगा ना। तेरा मतलब है दिमाग ही नहीं है। तुम किस डॉक्टर से दवा लेता है कादर भाई, तुम्हारे बाल उड़ गए? ए, 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 रहने दे। एक तो उधर की चाय पीपी के बेचारे को टकला कर दिया, ऊपर से गंजा गंजा बोल के चिढ़ाते हो तुम लोग। देख, एक बाल नहीं बचा बेचारे के सर पे। भौजी एक आ तो होगा। नहीं है, देखो। एक भी नहीं है। ए दुखिया, तू मेरा सर छोड़ और अपना सर देख। अरे हाँ दुखिया भाई, तेरे बाल भी जा रहे हैं। देखा दुखिया, मेरे साथ तेरे को भी लपेट लिया। समझता हूँ समझता हूँ, पर भौजी अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता? अरे वो मानिक लाल की बेटी पूनम जब बाहर निकलती है तब अपने सर के बाल क्यों गिनने लगता है? कादर भाई, तेरा जवानी का बाल वाला फोटो नहीं है क्या? क्या जवानी में भी गंजा था? ए, पैदा ही टकला मरे। बहुत हो गया, कुछ बोलता नहीं तो सर पे चढ़ते जा रहे हो तुम लोग। कादर भाई बैठ जाओ, कादर भाई का मजाक बनता है, वो भड़क रहे। गुरु अपुन ने क्या बोला? वो तो हरि ने बोला कि कादर टकला। अपुन क्या बोला? ए कादर भाई तुम ही बोलो। कादर भाई तुमको वापस ये गंजा बोला। ए तू मेरे को गंजा बनाएगा, मैं तेरे को टकला बना देगा। देखो कादर भाई वापस टकला। मैं तेरे को कादर भाई बना देगा। देखो कादर भाई, देखो thank you.
अरे वाह कादर भाई, तुम तो एकदम अंग्रेज के माफिक लगता है कादर भाई। कादर भाई कहीं नजर ना लग जाए मेरे प्रिंस ऑफ केरला को। कादर भाई तुम तो एकदम फिल्म स्टार लग रहे हो। कादर भाई तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे कादर भाई तुम तो 50 साल से 25 साल के हो गए। अरे ये तो एकदम हमरे अमिताभ जैसे लगत है। ऐसा लगता है टीचर जी। वाह कादर भाई क्या बात है। ए कादर भाई तुम तो एकदम पुराने से नया बन गए कादर भाई। वाह कादर भाई वाह वाह कादर भाई वाह वाह कादर भाई वाह। कादर भाई अब देखना नुक्कड़ वालों पे तेरा क्या रुबाब जमता है। कादर का दुकान किधर है? कौन वो टकलू? उधर आ गए। वो मैं ले आऊंगा भौजी, उसकी आप चिंता मत करो यार। ए भाई साहब। हां जी। कादर भाई को जानते हो क्या आप लोग? अरे यार कहां सुबह सुबह उस नीचर का नाम ले दिया, देखता नहीं काम कर रहे। तू आगे चल जा, आगे पूछ। हाँ भौजी उसकी मशीन भी आज देनी है, जरूरी है। दिखता नहीं क्या नुक्कड़ में नया है? ए हीरो इधर कहां घुसता है? चाय पीने का तो उधर बाहर बाकड़े पे जाके बैठ। चल उठ। अबे ओए अपन तो इधर ही बैठेगा। लेकिन ये कादर भाई का जगह है। कौन कादर भाई? मेरा सेठ, इस होटल का मालिक। और अपन कौन है? अरे कादर भाई तुम है? भगवान कसम मैं नहीं पहचाना। अरे नुक्कड़ और अकलमंद लोग भी नहीं पहचाना। अच्छा गुरु गुरु। हाँ बेटा बोल। थोड़ा कादर भाई की दुकान पे नजर मार। क्यों? देख कौन बैठे। ये कादर भाई के गाले पे कौन कार्टून बैठा है? कादर भाई का छोटा भाई है क्या? नहीं भाई है। अरे नहीं नहीं हा? कादर भाई खुद है। कादर भाई नहीं। अरे नहीं अरे आगरू आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। खोपड़ी उठ चल चल आओ आओ आओ। कादर भाई वाह। अरे कादर भाई ये रातों रात बाल कैसे उग गए? ये बाल की बारिश हो गई क्या कादर भाई? अरे मेरा धंधा बढ़ जाएगा। ए नुक्कड़ पे अंधेरा काय को हो गया ला बाप। अरे ई कादर भाई का चांद ई विग में छुपी गया ई वास्ते। कुछ भी बोलो विग में कादर भाई सुंदर लगता है। सुंदर की बंदर नहीं छछुंदर। ए तुम लोग इधर काय को जमा है? होटल में डाका पड़ा क्या? अरे डाकू इधर मौजूद है। अबे ओ ये डाकू नहीं है, ये विग पहने ला कादर भाई है। सॉरी है कादर भाई, लेकिन कादर भाई तुमने विग पहनने के वास्ते पुलिस का परमिशन लिया क्या? हाँ। बोलो बोलो कुछ भी बोलो, अपने पे असर होने वाला नहीं है। अरे बाबा असर कैसा होएगा, सर के ऊपर ढक्कन जो लगा है। ये मदारीपन बहुत हो गया, चलो फुटो यहां से। तुम लोगों को क्या है कादर भाई ने विग पहना तो तुम लोग काहे को जलते हो? जाओ जो अपना अपना काम करो। हां चले अब उठो यहां से। अपना अपना काम करते हैं, आप लोगों को क्या अपने सर पे बाल है। क्या बात कर रहा था? मुंह क्यों फूला हुआ है? ये नुक्कड़ वाले सब कादर भाई का मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों क्या हुआ? कादर भाई ने विग पहना ना इसीलिए। अरे इसमें मजाक उड़ाने की क्या बात है? अगर कादर भाई समझते हैं कि वो विग में ज्यादा अच्छे लगते हैं तो दूसरों को क्या? पर कादर भाई तो वैसे ही अच्छे लगते हैं। ये विग लगाने की क्या जरूरत थी भाई? औरत हो या मर्द, बनाव श्रृंगार तो दोनों ही करते हैं। लेकिन एक बात है, जो बनाव श्रृंगार चेहरे को निखारे वो अच्छा, और जो बिगाड़े उससे बचना चाहिए। कादर भाई क्या है? कादर भाई बात बोलो, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बोलो। कादर भाई आप ये विग उतार दो। नहीं उतारूंगा।
देखो कादर भाई, ये सारा नुक्कड़ वाला तुम्हारा मजाक उड़ाता मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखता हूँ कितने दिन उड़ाते हैं। इन फक्कड़ लोगों को दिखाने के लिए तो मैंने ये विग पहनी है, मैं ये विग कभी नहीं उतारूंगा। कादर भाई, तुमको ऐसा नहीं लगता कि दुखिया को भी विग पहनना मांगता? जरूर पहनना मांगता है ना। तो तुम उसको समझाओ ना, अगर वो भी विग पहन लेगा तो नुक्कड़ पे दो दो विग वाला हो जाएंगे। अरे दुखिया, जब से मैंने विग पहनी है ना, तब से मेरी तो पूरी दुनिया बदल गई है। अच्छा, पर बाऊजी मैं विग पहन के नुक्कड़ वालों के सामने नहीं जा सकता ना, मेरे को बहुत शर्म आती है बाऊजी। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, एक बार पहन के तो देख। विग पहनते ही आदमी की चाल ढाल बदल जाती है, दिमाग अपने आप चलने लगता है, खोई हुई जवानी वापस आ जाएगी, चेहरा फूल की तरह खिलने लगेगा। जो सर बिना बाल के शर्म से झुका रहता है वो शान से ऊंचा हो जाएगा। पर बाऊजी नुक्कड़ वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे ना। दुखिया 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 दुखिया, अच्छा मत पहन मत पहन, तू बिरयानी खाएगा? हाँ बाऊजी, बहुत भूख लगी है। अच्छा मैं अभी लेके आता हूँ। नहीं पहनूंगा मेरे को नुक्कड़ वाले मजाक उड़ाएंगे बाबूजी मैं नहीं बाबूजी मैं नहीं पहनूंगा मेरे को नुक्कड़ वाले मजाक उड़ाएंगे बाबूजी मैं इसने क्या लफड़ा किया। गुरु, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ रहा है। कमाल है, अपना ये दुखिया भी कार्टून हो गया। ये मुर्गी चोर, ये घंटी चोर पलट। बाऊजी सुन रहे हैं मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं? जल जल के बोल रहे हैं, बोलने दे। मैं भी उतार दूं? उतार, मत उतारना। डर गया क्या? नहीं नहीं, मैं क्यों डरने लगा, अब तो साथ जिएंगे साथ मरेंगे। चलो आइए अभी पुराने शायरी सुनाने लगे। ए दुखिया, ए टोपी पलट, ए दुखिया, ए चले, ए बुढ़िया। ए गुरु, तू कुछ भी बोल, कादर भाई ने तेरे से दुखिया को तोड़ लिया। ए इन लोग का ये चार दिन का नाटक है, उसके बाद दुखिया फिर मेरे पास। आदाब भौजी, आदाब, कैसा लग रहा हूँ भौजी? तेरे को कादर भाई ने नहीं बताया? क्यों, अच्छा नहीं लग रहा हूँ? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मगर जब तक तू ये विग पहना है मेरे पास मत आना। अरे आओ आओ दुखिया, बैठो। ये दुखिया, तेरे को विग में देख के गुरु नाराज हुआ या खुश? बहुत नाराज हुआ, बोलता या तो विग उतार दे या मेरी दोस्ती छोड़ दे। तो फिर तूने क्या जवाब दिया? मेरा मन करता मैं विग उतार दूं। नहीं 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 नहीं, नहीं दुखिया, विग मत उतारना। अरे काहे को दुखी होता दुखिया, आज से तू मेरे होटल में खाना खाना, मेरे होटल के बाहर सोना, और जो कुछ गुरु तेरे लिए करता था वो मैं करूंगा। कादर भाई सोच लो। अरे सोच लिया सोच लिया, एक बार सर पे कफन बांध लिया तो मरने से क्या डरना? कफन नहीं, विग, मेड इन इंग्लैंड। अरे एक ही बात है यार। कादर भाई मैंने कुछ खाया नहीं सुबह से। बोल बोल क्या खाएगा तू? 3-4 अंडों का ऑमलेट, 5 पाव और 1 गिलास दूध। दूध? वाह गुप्ता जी वाह, लीक में क्या लग रहे हो? अरे भैया ये सब क्या है? ये वीग है, नकली बाल। नकली बाल?
अब तुम ये लगाओगे? क्यों, तुझे कोई तकलीफ है इस बुढ़ापे में? अरे बुढ़िया होगी तू, देख मर्द और घोड़ा दोनों कभी बूढ़े नहीं बनते, उसको गोली से उड़ाना पड़ता है। तुम्हें भी गोली मार देनी चाहिए क्या? बकवास करती है बेवकूफ औरत। देखो घर में जवान लड़की मौजूद है और तुम इस बुढ़ापे में चले हो जवान बनने, शर्म नहीं आती क्या? अगर मधु की माँ तुम समझती क्यों नहीं है, मेरे बाल जा रहे हैं। देखो ना तुम मुझे टकले ही अच्छे लगते हो तुम्हारी नजर में ना, मगर दुनिया वाली मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। एक बात कही देती हूँ, वो कादर भाई की बीमारी इस घर में नहीं लाने का। हाँ पागल जैसी बात मत कर, नीचे जाके देख कादर क्या जवान दिखता है। मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो। क्यों? इस घर में साथ लाने के लिए। अगर मुझे गुस्सा दिला है ना तो मैं सचमुच में लाऊंगा। क्या कर लोगे? सौतन लाऊंगा। सौतन लाओगे? हाँ। सौतन लाओगे? हाँ। मैं तुम्हारा ये कौवे का घोंसला उठा के फेंक दूंगी। सलाम कादर भाई। वालेकुम सलाम। कादर भाई ये दुखिया ने तो खा के पूरा दुकान खाली कर दिया है। कादर क्या क्या खाया? अरे एक चीज हो तो बताऊ, दिन में 50 दफा आके चाय पीता है, चाय के साथ खाना बिस्किट अलग से खाता है, टोस्ट अलग से खाता है, बीच बीच में आके सेव चूड़ा पापड़ी खाता है, खाता अलग से बंधवा के ले जाता है कादर भाई, ऑमलेट में अंडा अलग से खाता है, उबला अंडा अलग से खाता है, मैं कुछ कहता हूं तो तुम्हारा नाम लेता है कादर भाई। अगर यही हाल रहा ना कादर भाई तो एक दिन हम दोनों फुटपाथ पर नजर आएंगे और इस दुकान पे खाली तुम्हारी अब बिक रह जाएगी। आने दो उसे आज। आने दो। आदाब उसे कादर भाई। आ गए। आदाब अर्जुन। क्या बात है, सब खाली हो गया? और तुम भी अगला दूध लेके आ जा। दूध? मलाई वाला। मलाई है? है ना। और तो फिर मलाई आने देना यार, दूध की क्या जरूरत है, ले बाप का माल है क्या? क्या हो गया कादर भाई? तूने ये विग पहन के मेरे सर पे एहसान किया या अपने सर पर? तुम्हारे सर पर? नहीं अपने सर पर। सुबह से 50 दफे आके तुम स्पेशल चाय पीते हो, अंडे और बिस्किट अलग खाते हो, किस खुशी में? तुम क्या मेरे रिश्तेदार हो? तुम्हीं ने तो कहा था। हाँ हाँ कहा था, लेकिन खाने का भी कोई तरीका होता है। अरे आदमी की तरह खा रहा, शैतान के माफी का खाता है। तुम्हारा होटल है, खाता हूँ, तुम्हें नहीं पसंद? नहीं। तुम अपनी विंग पकड़ो यार, मैं जा रहा हूँ। ए दुखिया, ए दुखिया, ए रुक रुक। चला गया। रेडियो ठीक करना सिखाना। अरे बेटे तू, मुझे तुम सब लोगों से कुछ कहना है। कहो। तुम लोगों ने मजाक करके कादर भाई को कितनी तकलीफ में डाल दिया है। ओहो, कादर भाई के साथ तो हमारा मजाक चलता ही रहता है, उसमें क्या हुआ? वो ठीक है, लेकिन इस बार कादर भाई ने मजाक का बहुत बुरा माना है, देखते नहीं कितने दिनों से परेशान है। मगर टीचर जी अपना ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, वो तो हरि ने सब लफड़ा किया। जब कोई गलती करता है ना तो उसे ठीक करने के लिए या तो रास्ते ढूंढता है या बहाने। ए तम्बी, ग्राहक लोग का ऑर्डर ले और जल्दी फुटा इनको। अच्छा। ले बाप, अभी तक बहुत गरम है। गरम नहीं होगा, तुम लोग तो सर पे ही चढ़ गया था ना। उसको क्या बोलता है, तू भी तो चढ़ गया था। ए दगड़ू, तू तो सर पे चढ़ के नाचा था। अरे सर पे बाल ना होना कोई कमजोरी थोड़ी है। मगर गणपत वो तो मजाक था यार। मजाक ऐसा होता है क्या? तो फिर कैसा होता है? अरे मजाक ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले का दिल ना दुखे। क्यों? हाँ, सोच समझ के मजाक करना मांगता है। ए
सोच समझ के मजाक किया तो फिर दोस्ती खाएगी। और बिना सोचे समझे मजाक करने का नतीजा देखा, उसने मजाक का बुरा मान के विक पहन ली। अरे भाई विक पहन ली तो क्या हुआ, वो कल भी हमारा दोस्त था और आज भी हमारा दोस्त है। पर वो अपन को ऐसा किधर समझता है। लेकिन विक में भी बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं गणपत, बिना विक के ज्यादा अच्छा लगता था। वैसे वो दिल का बहुत बड़ा आदमी है, फिर काहे को नाराज रहता है, न मिलता है न बोलता है। यार हंस के चाय भी नहीं पिलाता है। पिलाएगा यार पिलाएगा, अभी जरा गुस्से में है ना। मगर कब तक गुस्से में रहेगा गणपत? जब तक हम लोग उससे माफी नहीं मांगेंगे। बाऊ जी जो हुआ उस पे मिट्टी मारो। आप एक काम करो, हम सब की तरफ से उसे माफी मांग लो। मैं हाँ। पागल हो गया। मांग लो बाऊ जी, अपन को तो बहुत डर लग रहा है भाई, कहीं थप्पड़ ओप्पड़ मार डाले तो। अरे भाई दोस्ती में गुस्से से थप्पड़ भी खा लेना। हाँ। ऐसा हाँ। तो भाई लोग क्या खा ले? गुरु आगे बढ़ जाओ। अरे भाई थप्पड़ मारने वाला भी दोस्त और खाने वाला भी दोस्त। ठीक बोला ठीक बोला कादर भाव। ए कादर, देख तूने सब सुन लिया सब समझ लिया, तो माफ कर दे। देख तेरे थप्पड़ मारने का मार ले, पर हम लोग सब दोस्ती बना। अरे कादर भाई Yeah!